हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी करेला भाजी। तो देखिए, करेले को मैंने इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे करके। साथ में इसमें थोड़ी अदरक भी काटी हूँ, देखिए, और साथ में 6-7 कलियाँ लहसुन को भी इसी में काट लिया है, देखिए, अदरक भी काटी हूँ, देखिए, और साथ में इसमें 2 प्याज को भी काट लिया है और 3-4 हरा मिर्चा सब एक साथ काटी हूँ, देखिए। अब इसे इस तरीका से मिक्स कर देती हूँ। तो इसमें डालूँगी अभी मैं हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। और अब डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, तो स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। और इसे अब मैं इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट ऐसे छोड़ दूंगी, उसका बाद इसे मैं फ्राई करूंगी। देखिए, बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया है, तो 5 मिनट रेस में रख देती हूँ, उसका बाद इसे मैं बनाऊंगी। तो अभी करेला को फ्राई करूंगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, देखिए, ऑयल इसमें मैंने 3 चम्मच डाली हूँ। अब डाल रही हूँ करी पत्ता, बिना ढके ही बनाऊंगी इसे मैं कम आंच में। तो इसे अब मैं छोड़ देती हूँ 4-5 मिनट कम आंच में। 1 मिनट हो चुका है, अब इसे मैं चला लेती हूँ एक बार। और छोड़ देती हूँ और इसे 6-7 मिनट। देखिए गाइस, कितना बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है। और इस तरीका से बनाने से खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए कितना गल के भी कम हो गया है, देखिए। अब ये बन के रेडी है। आप लोग इसे चावल के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।